आज है धनतेरस, ट्यूसडे 2 नवंबर 2021, और हम लोग निकले हैं ऑफ़िस के लिए। मतलब मैं निकला हूँ ऑफ़िस के लिए, तो मैंने सोचा जाते जाते आपको ओदी वेलश, जो लिस्बन में पड़ता है एक शहर, उसकी आपको दिखा दी जाए, रोड्स वगैरह, शहर वगैरह जैसा भी है। आई होप कि आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ये राइट हैंड साइड में जो है ये डस्टबिन्स का है सारा जगह, जहाँ पे कूड़ा वगैरह फेंकते हैं हम। और ये पुर्तगाल में ऐसा है कि चढ़ाई वगैरह ज़्यादा है यहाँ पर, ऊंचाई नीचाई, क्योंकि बेसिकली ये पहाड़ी इलाका था। सुबह सुबह का टाइम है, अभी 9:45 हो रहे हैं। मैं वैसे मेट्रो से जाता हूँ, पर आज मेट्रो की स्ट्राइक है, तो मेट्रो 10:30 बजे स्टार्ट होगी आज। हम देखेंगे जाकर, अगर स्टार्ट हो गई होगी तो मेट्रो करेंगे, नहीं तो वेट करेंगे और कोई कैब करेंगे, क्योंकि ऑफ़िस जाना तो ज़रूरी है। तो ऑफ़िस जाए बने तो बात नहीं बनेगी। बेसिकली इस लोकेलिटी में, ओदी विलेज में, बहुत से एशियंस अपने एक कम्युनिटी है, इंडियंस, पाकिस्तानीज, नेपालीज, बांग्लादेशी कम्युनिटी थोड़ी कम है यहाँ पर फिर भी है। वेयर एज जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जहाँ मेरा ऑफिस है मारुति मुनिस में, जो सेंट्रल लिस्बन में पड़ जाता है, उधर बांग्लादेश कम्युनिटी थोड़ी ज़्यादा है। मौसम में हल्की हल्की ठंड आ चुकी है, तो सब ने जैकेट्स वगैरह पहनी हुई हैं, स्वेटर्स वगैरह पहने हुए हैं। मैंने खुद जैकेट पहनी हुई है। चलने पे कई बार थोड़े टाइम के बाद गर्मी लगती है, पर बेटर यही है कि अपने आप को सेफ रखने के लिए जैकेट पहनी जाए। सुबह सुबह के टाइम की वजह से थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा ही है इस टाइम पर। अप्रॉक्सीमेटली मेरे को मेरे घर से और मेट्रो स्टेशन जाने तक 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मेरे हिसाब से जिनका डेली सेम लोकेशन पे आना जाना है, जैसे मेरा ही ले लो, अब ओदी वेलस से मारुति मुनिस डेली मैंने जाना है, अप डाउन करना है, तो उन लोगों के लिए मेट्रो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि मेट्रो में जाने के बाद आप अपने फ़ोन यूज़ कर सकते हो, रिप्लाइज कर सकते हो ईमेल्स का, बिना इस टेंशन या इस वरी के कि हमको ड्राइव भी करना है और हमको फ़ोन को भी देखना है। जैसे कि मेरे को बहुत ईमेल्स वगैरह आती है, फ़ोन्स वगैरह आते हैं, मैसेजेस आते हैं, तो मेरे लिए तो बेस्ट ऑप्शन है। वेयर एज़ अगर मैं अपनी कार ड्राइव करके लेके जाता हूँ, तो मेरे को कम से कम आधा से पौने घंटे तक विदाउट फ़ोन रहना पड़ेगा। ये जहाँ पे हम आए हैं, इस जगह का नाम है सेंट्रो कमर्शियल काउवे। इधर जो स्तुति शर्मा जी हैं, उनका डॉक्यूमेंट सेंटर है अंदर जाके, वो भी किसी दिन आपको कवर करके पूरा शो करेंगे। पर आज हम काम की थोड़ा लेट हैं, तो हम डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे मेट्रो स्टेशन, और कहीं पे भी रुकने का भी प्लान हमारा नहीं है। बाकी
देखते हैं। कई बार लोग देखते हैं कि मैंने कैमरा लगाया हुआ है तो थोड़े झिझकते हैं, पर बाद में उनको समझ में आ जाता है कि आजकल तो नॉर्मल ही है ब्लॉगिंग करना। तो हम किसी के पर्सनल उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, बेसिकली हमारा जो मेन मकसद है वो लैंडस्केप दिखाना है, जिसके लिए ये कैमरा माना जाता है। ये सामने पुलिस वाले अंकल खड़े हुए हैं, यहाँ पर सबसे पहले जो प्रेफरेंस दी जाती है वो बूढ़ों को दी जाती है कहीं पर भी, जैसे कि मैंने अभी इन दोनों को दी, अंकल और आंटी को, और उसके बाद प्रेग्नेंट लेडीज़ या लेडीज़ जिनके पास बच्चे हैं। अरे देखो कितनी क्यूट कैट है यहाँ पर, हेलो क्यूटी। और इन्होंने मेरे को जगह दी आगे जाने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू इनका। और अच्छा मैं आपको बता रहा था, प्रेफरेंस जैसे है यहाँ पर बूढ़े लोगों को, विकलांग हैंडीकैप लोगों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ या फिर जो लेडीज़ बच्चों के साथ है, या फिर अगर कोई सामान लेके जा रहा है भारी, उनको प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पर, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये सामने जहाँ पर आपको थोड़े बहुत लोग दिख रहे हैं, ये बैंक में जाने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि कल मंडे जो गुजर गया है, यहाँ पे नेशनल हॉलीडे थी ऑल सेंट्स डे, तो आज 3 दिन के बाद बैंक्स खुले हैं, तो सब अपने अपने काम करवाने के लिए यहाँ पर आए हैं। इस बैंक का नाम है नोवो बैंको, ये वन ऑफ द 5 टॉप बैंक ऑफ पुर्तगाल में आते हैं। ये देखिए कितने भीड़ हैं यहाँ पे, क्योंकि आजकल हर किसी के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो गई है कि किसी भी बैंक में जाकर काम कराना जो है वो सुबह सुबह ही हो जाए तो बेटर है, क्योंकि बाकी दिन में सबको अपने अपने काम करने होते हैं, अपनी अपनी और कोई ना कोई काम लगा रहता है, इसलिए। और ये सामने ही मेट्रो स्टेशन है, मेरे को लगता है मेट्रो स्टेशन में जाकर हमको कैमरा जो है अपना स्विच ऑफ करना पड़ेगा, ताकि लोग इनसिक्योर फील ना करें, क्योंकि हम आपको दिखाना भी चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि लोगों को अजीब लगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कैमरे पे नहीं आना चाहते हैं। अभी इनको यहाँ से दिख रहा है कि मेट्रो पे भी काफ़ी भीड़ है, इसका मतलब अभी तक मेट्रो नहीं खुली है या फिर अभी अभी खुली है एकदम। हाँ जी, गुड न्यूज़ है, मेट्रो खुल गई है, स्ट्राइक मेट्रो भी खुल गई है, तो अभी हम मेट्रो में जाते के साथ ही बैठ के अपने ऑफिस जा सकते हैं। ये बहुत ही एक तरीके की बढ़िया टाइमिंग थी हमारी। यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर चढ़ के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड कैफ़ेज़ है, ताकि मेट्रो से बाहर निकल के लोग अपने अपने कॉफ़ीज़ वगैरह ग्रहण कर सकते हैं, और जिनको वेट करना है वो वेट कर सकते हैं। चलिए अभी इसको यहीं पे रोकते हैं, बाद में आगे कंटिन्यू करते हैं। सी यू, बाय बाय।